So, hello students, we have continued our chapter. This is video number 5 and today's topic Sufis and the states. So, in the last 4 video we have discussed what about the Sufi, what about the Bhakti traditional and especially in the Karnataka and others part of the So, the Sufi and the state. The major feature of the Chisti's tradition was the outrarity, the meaning of the distance from the worldly power. अब देखो चिश्ती सिलसिले में बेटा मेन क्या था कि ये लोगों का जो ट्रेडिशनल था ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, बट ये जो मेन वर्ड है जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है उनसे भागे नहीं, उनके साथ मेंटेनिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर, ठीक है जो सुपर पावर्स था उनसे अलग रहे, जो इम्पीरियल पावर था उससे अलग रहे, और उन्होंने एक अपने ही वे में उन लोगों को बेटा ट्रीट किया. द सूफीज एक्सेप्ट द अनसॉलिकेटेड ग्रांट्स एंड द डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइड इन द केस एंड द काइंड, ठीक है. अब देखो इन्होंने क्या किया, जो सूफीज एक्सेप्ट, अब ये कर भी रहे हैं अनसॉलिकेटेड ग्रांट्स, जो ग्रांट्स इनको मिल रहे हैं, डोनेशन जो दे रही है, ठीक है, पॉलिटिकल एलाइड्स दे रहे हैं, जो किंग्स दे रहे हैं उनको लिया, बट उनके पावर में कभी नहीं रहे. द सुल्तान्स इन द टर्न अप द सेट अप द चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंडोर्समेंट फॉर द हॉस्पिक एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड, इनाम जिसे बोलते हैं बेटा, ठीक है. द चिश्तीज यूज डोनेशन फुली और द इमिडिएट रिक्वायरमेंट सच एज फूड क्लोथ लिविंग क्वार्टर्स एंड रिचुअल्स नेसेसरी, जो भी चीज़ें इनको लगी बेटा, ठीक है, वो चीज़ें उन्होंने ग्रांट में ली, उनसे अडॉप्ट की लिया, और इसके साथ साथ जो रूलर्स थे ठीक है उन्होंने इनको सपोर्ट किया, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट, जो सूफी संत का इम्पैक्ट था, इनके जो ब्लेसिंग थे उनको उन्होंने मीन किया कि उनको लगा कि डैट विल बी द राइट, और ये चीज़ें उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रही है बेटा. बिलीव्स इन द माइक्रोकुलस पावर्स, माइक्रोकुलस पावर्स डैट मीन्स ऐसी अद्भुत इनमें पावर थी बेटा, मे द सूफीज पॉपुलर अमंग द मासेज एंड हु सपोर्ट द किंग विशेज टू द सिक्योर. Kings often wanted their tombs to be the vicinity of the Sufi Shrine and the hospice because it was believed that is the Aulia could interact with God. ठीक है Aulia, that means Aulia जो हमने पढ़ा था अभी दिल्ली में जिनका बेटा इन थॉम था. सो हाउ एवर दे वर द इंस्टेंस टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान एंड द सूफी. अब देखो बहुत बार ऐसा भी हुआ बेटा कि जो सूफी सेंट थी उनका और जो पर्टिकुलरली उस समय बेटा सुल्तान था, बिकॉज यू नो दिल्ली सल्तनत में वी नोन है सुल्तान, उनके बीच में यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना, या एक दूसरे में किसी बात को लेके डिस्प्यूट हो जाना, ऐसे रीजंस भी थे जिसके बीच में बेटा सुल्तान और सूफी संत के बीच में कुछ ना कुछ इशूज़ क्रिएट हुए. ओकेजनली द सूफी शेख जो शेख होते थे वो एड्रेस द हाई साउंडिंग टाइटल्स, फॉर एग्जाम्पल द डिसिप्लिन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया एड्रेस हिम द सुल्तान उल महा लुक, ठीक है. अब देखो बेटा इनके पास अपना कुछ एक टाइटल होता था, उस टाइटल के बेस पे भी इनको नाम दिया जाता, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया को जो टाइटल है सुल्तान उल महालक, ठीक है, महालक का टाइटल इनको मिला. एंड नाउ वी मूव ऑन द कबीर. अब देखो वापस हम हिंदू ट्रेडिशनल पे आते हैं बेटा, द डिवोशनल पाथ डायलॉग एंड द डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया. अब स्पेशली वापस नॉर्थ इंडिया में कैसे इन्होंने अपने आप को किया बेटा. सो 8.1 वींग द डिवाइन फैब्रिक कबीर. तो हम आप सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कबीरदास के बारे में कि कबीरदास ने कैसे अपने को सपोर्ट किया, कैसे इन लोगों ने यू नो भक्ति मूवमेंट को एक यू नो टॉप पे ले गए. सो कबीर वो द 15th सेंचुरी इंडियन मास्टिक पॉइंट. अब कबीरदास जी बेटा 15th सेंचुरी में बॉर्न हुई, ठीक है, और इंडियन पॉइंट थे ये एंड द सेंट हु होल्ड्स द राइटिंग अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर्स इन्फ्लुएंस्ड हिंदुज्म भक्ति मूवमेंट, और जो हिंदुज्म भक्ति मूवमेंट है उसके बेस पे इन्होंने बेटा अपनी राइटिंग को लिखा, अपने बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा. वर्सेस डिस्क्राइब्ड बाय द कबीर हैव बीन द कंपाइल्ड इन द 3 डिस्टिंक्ट बट द ओवरलैपिंग ट्रेडिशन आल्सो. अब देखिए कबीर बीजक इज द प्रिवेंट बाय द कबीर पंथ, ठीक है, द सेक्ट ऑफ कबीर, ठीक है. अब देखिए कबीर पंथ क्या है, एक सेक्ट है बेटा, एक ऐसा सेक्ट जिसे कबीर जी ने चलाया, और बीजक, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज इज द कलेक्शन ऑफ द एजुकेशन ऑफ द कबीर इन द बीजक इन द वाराणसी एंड द एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश आल्सो. द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान, ठीक है. दादू पंथ जो एक संप्रदाय टाइप का था, एक रिचुअल्स स्टार्ट हुए थे दादू पंथ का, उसको स्टार्ट किया था यहाँ कबीरदास जी ने. एंड मैनी मोन द कम्पोजिशन इन द फाउंड ऑल्सो आदि ग्रंथ साहिब, और बहुत सारे इनके बेटा कम्पोजिशन से वो आदि ग्रंथ साहिब में भी हमें मिलेंगे बेटा.
सो कबीर पोएम्स हैव द सर्वाइव इन द सर्वल लैंग्वेज. इन्होंने अपनी पोएम बेटा अलग अलग लैंग्वेज में लिखी एंड द डायलैक्ट्स एंड द सेम आर द कंपोज इन द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा पॉइंट. अब देखिए, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया हमने दो टाइप्स के भक्ति मोमेंट पढ़े, सगुणा एंड निर्गुणा. ये बेटा निर्गुण को करते हैं, ये किसी इमेज का वर्शिप नहीं करते, ये विदाउट एट्रीब्यूट्स वर्शिप में फोकस करते हैं. सो वी नोन है निर्गुणा पॉइंट. कबीर पोएम ड्रून ऑन द डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी. अब देखो इनकी पोएम में क्या है बेटा, ये डिस्क्राइब करें अल्टीमेट रियलिटी को. ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी हैज अल्लाह, खुदा, पीर, निराकार, ब्रह्म, अलमान एक्सेट्रा. अब देखो बेटा, इन्होंने पार्टिकुलरली किसी एक रिलीजियस को लेकर अपनी पोइट्री नहीं लिखा. ये कह रहे हैं कबीर जी, कह रहे हैं बेटा ये अल्लाह पे भी विश्वास कर रहे, खुदा पे भी कर रहे, पीर पे भी कर रहे, निराकार, ब्रह्म, सब चीज़ों को ये फॉलो कर रहे हैं बेटा आल्सो. सो यू नो कि कहीं ना कहीं ये मोनोलिस या मोनोथोलिस की बात ना करके बेटा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं. इन हिज पोएम ही एक्सप्रेस डाइवर्स इन द कन्फ्लिक्ट आइडियाज. अब इनकी इस पोएम में बेटा इन्होंने अपने आइडिया एक्सप्रेस किए आइडियाज, और जो कन्फ्लिक्ट आइडियाज थे हैज आल्सो द एक्सप्लेन. सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ द डिफिकल्ट वेदर ही वॉज हिंदू और द मुस्लिम बाय द बर्थ. डिबेटेड आर द रिफ्लेक्ट इन द हेजियोग्राफीज आल्सो. ठीक है, हेजियोग्राफी होती है बेटा किसी पोइट सेंट का ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, जो बायोग्राफी उनकी लिखी जाती है ऑटोबायोग्राफी. अब देखिए ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये कन्फ्लिक्ट है हिस्ट्री में. ये क्वेश्चन अभी भी है कि ये क्या है बेटा, बिकॉज इनका कोई परमानेंट या सोल्यूशन नहीं मिला हमें. इन द वेस्टर्न ट्रेडिशनल ही वॉज बॉर्न इन द हिंदू कबीरदास, बट ही राइड इन द पुअर मुस्लिम फैमिली बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ द व्यूअर. अब देखो अलग अलग ट्रेडिशन के बेस पे इनके बारे में अलग अलग कहा रहा. जो वैष्णव ट्रेडिशनल है दे हैव बिलीव कि इनका बॉर्न जो हिंदू फैमिली में हुआ. कबीरदास जी वर द रेज इन द पुअर मुसलमान और मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऐसे भी उनमें है. और कहीं कुछ कम्युनिटी थी जो वीवर्स बुनकर जो थे, तो ये बुनकर कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं आल्सो. सो कबीर इज़ द कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट डिसिप्लाइंस ऑफ रामानंद. अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रामानंद हाउ एवर देयर इज द डिस्प्यूट इन टू द स्टेटमेंट. अभी इस कथन पे भी, इस स्टेटमेंट पे भी कहीं ना कहीं सभी एक एग्री नहीं करते हैं, बट ये कहते हैं इज द कंसिडर्ड वन इज द फर्स्ट डिसिप्लाइन ऑफ रामानंद जी. ठीक है, जो रामानंद जी थे उनके ये फर्स्ट डिसिप्लाइन थे. सो इन टू टॉपिक वी हैव डिस्कस. देखिए कबीर जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बीजक इन आल्सो मेंशन. ठीक है, और इनका बेटा दादू पंत. ठीक है, राजस्थान आल्सो ने दादू पंत जो राजस्थान में स्टार्ट किया था. ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब में इनका कलेक्शन है बेटा. एंड आल्सो द सूफीज और ये जैसे फ्री लैंड इनाम देना. सो इन दिस टू टॉपिक वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो थैंक यू.